चले भाई इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह से हम इस पे एक शेप बनाते हैं, और इस शेप में कलर भर देते हैं कोई भी जैसे, और इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा दोनों एंकर्स को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला साइड थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा नीचे रहेगा। अब ये जो ऊपर किया है तो इसमें एक साइड को थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे नजर आएगा। उसके बाद इसकी दूसरी साइड बनाते हैं, और इसको पकड़ के यहाँ से दोनों एंकर्स को इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। और इसकी भी ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये आगे थोड़ा बड़ा नजर आए, पीछे छोटा नजर आए। अब इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको थोड़ा सा, ये वाली साइड जो है इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, ताकि इसके एज कम्पेयर टू जो नीचे वाली साइड्स हैं वो इस तरह से नजर आएंगी, ठीक है, दोनों साइड से। और ये वाली साइड भी थोड़ी सी नीचे से हम इसकी इसे आगे कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से क्लिक करके हम ये लगाएंगे इसके ऊपर एक शेप, इस साइड को थोड़ा सा कम करेंगे, और फिर यहां पर एक और बनाएंगे इसके नीचे इस तरह से, और इसको क्लिक करके दोनों साइड्स को पकड़ के इसको और ये साइड थोड़ी सी इसकी कम कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसके कंपैरेटिव में ये छोटी होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये तो हमने बना दिया इस तरह से, ये वाली साइड आ गई और ये वाली साइड हो गई, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और पीछे करना है आपने तो ये चारों एंकर लेके इसको थोड़ा सा और आप ऐसे ले जाएंगे खींच के ऐसे करके ऊपर की तरफ, या ऐसे कर देंगे थोड़ा सा और आगे की तरफ ऐसे करके, तो ये साइड आपकी ऐसे दिखाई देगी। अब इनमें थोड़ा फर्क डालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमने इसको ये वाला कलर दिया है तो ये थोड़ा डार्क है, इसका थोड़ा लाइट दे देते हैं, यहाँ क्लिक करके फिर यहाँ से ये वाला डार्क दे देते हैं, ये देखिए ऐसे करके तो हमने एक शेप इस पर तरह से लगा देना, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कलर दे देना है इसका, ये थोड़ा सा डार्क होगा, ये थोड़ा सा लाइट रहेगा, ठीक है। अब नीचे वाला जो इसका ये फ्लोरिंग पॉइंट है ये कैसे बनेगा, अब इस फ्लोरिंग पॉइंट को बनाने के लिए भी आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक शेप लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पर ऐसे रखना है थोड़ा सा आगे करके। अब उसके बाद इसको दिखाना ऐसा है कि भाई ये जैसे फ्लोर है, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि थोड़ा आगे रख के ये वाला जो एंकर है ना इसको पकड़ के ये लाके इस पे इस तरह से जोड़ देना, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से फ्लोर बन जाएगा खुद ही। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेना है, इस तरह करेंगे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे इसको, आप थोड़ा ऊपर ले जाके इस तरह से ऐसे कम कर देंगे इसको। इसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर का एक शेड लगा दें इस पे, ये देखें इस तरह से ये नजर आएगा आपको, ठीक है। सिमिलरली काम यहाँ पे करना है आपने, तो यहाँ से लेके
ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे ले जाके इसको इतना आगे कर देना है, और उसके बाद क्या करना है आपने इसको पकड़ के ये वाला जो एंकर है इसका, ये वाला एंकर पकड़ के यहाँ से इसका इस तरह से ठीक है, और इसको भी इसी तरीके से रख के थोड़ा आगे पीछे का देख के यहाँ पे रख के और इसको ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देना कि ये ऐसा नजर आए थोड़ा सा, ठीक है। ये देख ये बन गया इसका नीचे का फ्लोरिंग पॉइंट्स जो हमें इसका बनाना था। अब रह गया इसका ऊपर की छत का काम। अब छत का काम कैसे करेंगे? अब यहां पर देखें ये वाला हिस्सा इसका इस तरह से है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से होगा। इसको थोड़ा आर्ट बोर्ड को और हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो ये आर्ट बोर्ड लिया हमने यहाँ से और यहाँ से ले जाके इसको तो ये हमने यहाँ से पकड़ा और ये स्क्वायर इस पे हमने बनाया। अब उसके बाद स्क्वायर जब हमने बना लिया इसका, तो स्क्वायर बनाने के बाद इसको हमने यहाँ पे रखना है। अब देखिए ये इसका टेढ़ा पोर्शन है जो इसके इस साइड पर आके गिरेगा इस साइड पर, तो ये टेढ़ा कैसे होगा इसको समझना है आपने। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा कितना आगे तक जा रहा है, ये इसके इतना आगे तक आ रहा है, इतना आगे तक, ठीक है, इतना बाहर निकला हुआ है। इसके बाद इसका ये पोर्शन लेके हमने इसको इस तरह से टेढ़ा करना है, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से टेढ़ा होगा। उसके बाद ये करने के बाद हमने इसके आगे ये एक बनाना है, ये इस तरह का पोर्शन, और इसका बना के हमने करना ये है कि इस कंप्यूटर थोड़ा डार्क रखना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है और इसको लेके जाना है थोड़ा सा इस तरीके से आगे, सही है। ये साइड थोड़ी ऊपर रहेगी, वो साइड थोड़ी नीचे रहेगी, तो भले थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा, ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरह से लेंगे तो इसको आपने थोड़ा सा पीछे लेके और इस पर इस तरह लगा देना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके निस्बत ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ये इसका है मामला समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ पर एक एंकर ऐड करा देते हैं, थोड़ा और जूम करके करा देते हैं एंकर, यहाँ पे ऐड करा देते हैं, यहाँ पे से ऐड करा के हमने इस एंकर को थोड़ा सा ऐसे करके ले जाके यहाँ पे इसको ऐसे फिलअप करा देना है, ठीक है। और इस वाले एंकर को क्लिक करके हमने नीचे लाना है, सेम ऐसे सीधा ला के इसके साथ ऐसे कर देना है, ठीक है, ताकि वो उसके पीछे छुप जाए। तो ये देखें इस तरह से बन जाएगा, सही। और यहाँ से इसको ब्रिंग फ्रंट कर लेंगे ताकि वो पीछे वाला जो छुप गया है वो इस तरह से आगे आ जाए, सही है, बिल्कुल ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और शर्ट को अगर आगे लाना है तो इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे, इस वाले शर्ट को उसको आगे रहने देंगे। ये डाउन एरो दबा रहा हूँ मैं, डाउन एरो से ही आगे आ रहा है और आगे आ रहा है, डाउन एरो से दबाता जा रहा हूँ मैं, डाउन एरो से आगे आता जा रहा है, आगे आता जा रहा है, ये देखिए कैसा सही आ गया, ठीक है, ओके हो गया, सही है क्या? अरे हाँ तो घबरा गया था, कुछ और बोल गया, ठीक। आप पैरों करेंगे इसका थोड़ा सा ये ऊपर कर लेते हैं और ये वाला साइड भी इसका थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करेंगे तो खराब हो रहा है, थोड़ा पीछे भी करते हैं इसको, ये लीजिए हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे करके ऊपर थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा नीचे, ओके सेट हो गया। ये जो रह गया है कोना, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो दबाएंगे और इसके पीछे इस तरीके से छुपा देंगे, ये देखिए सही है। तो इस तरह से जब आप थोड़ी सी मेहनत करके इस चीज को क्रिएट करेंगे तो ये आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा और ये आपको फिर इस तरह से दिखाई देगा। अब रह गया है थोड़ा सा मामला ये कि भाई इसके ऊपर ये थोड़े से शेड वेड देने हैं, इसके ऊपर तो क्लिक करेंगे यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट में पाथ में, और उसको देंगे हम यहाँ से ऑफसेट, ऑफसेट देंगे -2 पिक्सल का दे देते हैं, थोड़ी सी थिकनेस में ओके कर देते हैं,
तो ये ऑफसेट आया -2 पिक्सल का, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे तो आपको देखिए एक ये पीछे नजर आ रहा है इसके, इसको क्लिक करके थोड़ा सा डार्क कलर दे दें ठीक है। तो ये 2 पिक्सल के थिकनेस में मजा नहीं आया, क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ से इसको करेंगे ऑफसेट 4 पिक्सल का ले लेते हैं, -4 पिक्सल और इस पर क्लिक करके लाल वाला रेड कलर लगा दें। तो एक थोड़ा सा इसकी थिकनेस यहाँ पे बनी है। अच्छा तो अगर आपको ये ज़्यादा करनी है तो फिर से इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे रख के इसका जो थोड़ा कोना है, चलो वो तो बाद में कवर कर लेंगे, क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाएं दोबारा से एक दफ़ा ऑफसेट ले लें -10 पिक्सल का कर देते हैं, चेक करते हैं। ये कुछ सही लग रहा है दूर से, थोड़ा सा शेड वगैरह भी इसके ऊपर आ रहा है, तो ये इस तरह का एक मामला इसके ऊपर हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा कोना इसका बाहर जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, इससे हम ये भी कर सकते हैं कि इस एज को इसके एज से इस तरीके से मिला सकते हैं, सही है, क्लियर। तो इस तरह आप इसका जो शेड है वो बना सकते हैं। अब ये देखें शेड का एक इसने इफेक्ट बनाया है कि ये इस तरह से एक इसने बनाया कि शेड इसका किस तरह से बनाया जाए। अच्छा अब इसमें एक चीज समझने की ये कि देखिए इसका शेड इसकी दीवार के ऊपर है और हमारा थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो हमें ये दोनों सेलेक्ट करके इसकी मदद से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इनको, ये देखिए इस तरह से ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, ये देखिए ओके आ रहा है समझ में बात। तो ये देखिए इस तरह से परफेक्ट नजर आ रहा है, सही। अगर ये वैसे समझता है ठीक है इतना भार होना चाहिए, क्योंकि ये इतना भार होएगा थोड़ा सा, आपको लग रहा है ज़्यादा भार हो रहा है तो उसको ऊपर ले जाके थोड़ा लेफ्ट साइड पे अंदर की तरफ ले लें तो ये थोड़ा सा शेड भी कम हो जाएगा, क्लियर ओके हो गया। अब सेट है, ये देखें थोड़ा सा भार आ गया, तो इसको थोड़ा सा पकड़ के दीवार को और नीचे हम इसको डाउन एरो कीज की मदद से इसके पीछे छुपा देंगे, तो ये देखिए अब आपका परफेक्ट शेड निकल के आया, सही है। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम जाके इसको एआई के अंदर और फायरवॉल एंड सीवी ठीक है, क्लास 11 हाउस प्रस्पेक्टिव के नाम से सेव कर देते हैं ठीक है। अब आती है बात कि इसके ऊपर खिड़की दरवाजे आपने बनाने हैं और इसका छोटा सा शेड बनाना है यहाँ पे। अब शेड इसका कैसे बनेगा, देखिए मैं इसका चारों के शेड हम ऐसा बना देंगे, ऐसे करके एक शेड बनाना है हल्का सा, तो हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पेन टूल नहीं तो शेप से भी बन जाएगा। सिंपली करना क्या है कि देखिए इसके अपोजिट ऐसे ऐसे और ऐसे करके बना देना है, तो यहाँ से एक शेप लेंगे ठीक है, और ये लेने के बाद हमने सिर्फ ये करना है इसको पकड़ना है और इसके जो दो कोने हैं ये वाले दो कोने, ये तो कोने लगाने हैं हमें इसके साथ इसके इस वाले साइड पे इस तरीके से, और ये जो दो कोने हैं इसके शिफ्ट के साथ ये लगाने हैं हमें इसके इस वाली साइड पे ठीक है, और ये वाला साइड जो है इसका हमें मिला देना है इसके साथ इस तरफ ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब इसको शेड में कैसे कन्वर्ट करें, वैसे देखें शेड तो बन गया, हाँ लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूं, थोड़ा सा विंडोज में जाके एक हमारे पास पैनल है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी, ये वाला खुला हुआ भी यहाँ पे पीछे की तरफ खुला हुआ इसके, ये रहा इसके, यहाँ से थोड़ी सी ऑपेसिटी इसकी कम करें, सही है मेरा ख्याल है, लग रहा है शेड उसका सही जा रहा है बिल्कुल ठीक है। अब रही है ये बात, अब इसका कलर स्कीम जैसे उसमें उसने कलर ही अच्छे से यूज किए हुए हैं, तो विंडोज में जाएंगे आपको बहुत सारी कलर स्कीम्स मिल जाएंगी, कहाँ पर सर्चेस में आर्ट हिस्ट्री में जाइए क्लिक कर दें, ये आ गई आपके सामने कलर स्कीम्स। अब जिस कलर में आप चाह रहे हैं कि इस घर का डिजाइन बना रहे हैं, देखिए ये कलर भी बहुत अच्छे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये कलर लगाया हमने और इसी का लाइट वर्जन हमने यहाँ लगा दिया, अच्छा लग रहा है, और थोड़ा डार्क करना है तो ये लगा दें, लेकिन ये इतना खास नहीं लग रहा, ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहे हैं, इसको ब्लू में बना रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका लाइट वर्जन यहाँ पे लगा देंगे
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इसका डार्क वर्जन यहाँ लगाया है, इसका लाइट वर्जन हमने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए कितने अच्छी कलर स्कीम्स हैं हमारे पास यहाँ मिल रही हैं। और कर दें नेक्स्ट आगे, और अच्छी कलर स्कीम्स मिल जाएंगी। ये देखिए ये वाले कलर स्कीम्स यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये लगाते हैं, और उस पर क्लिक करके ये वाला लगा देते हैं। ये देखिए देख रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा इसकी डेप्थ बढ़ानी हो, थोड़ा लंबा करना हो इसको, तो क्या करेंगे, देखिए इसको पूरे का पकड़ा हमने, ऊपर ले गए यहाँ पे रख लिया, क्योंकि छत वाला काम तो हो गया ना हमारा। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ानी है, तो यहाँ पे देखिए हम इस सारे एंकर्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे। सारे सेलेक्ट हो गए, नीचे वाले सबके नीचे वाले डाउन एरो दबाएंगे, सही समझ में आई बात, थोड़ा सा बड़ा हो गया। और थोड़ा सा अगर ये साइड बड़ी करनी है तो सिर्फ ये वाले एंकर्स को सिलेक्ट करेंगे, आ रही बात समझ में, जो इसकी साइंस है वो बेसिकली आपने समझनी है। तो ये देखिए आपको इस तरह समझ में आ रही। अच्छा अब ये वाला शेड जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो ग्रीन के साथ था तो हमने लिया, अब इसी के साथ का हमें हल्का सा कोई शेड लगाना पड़ेगा, ये इस तरह का। ये देखिए बिल्कुल रियल लग रहा है इसके साथ। देखिए इसमें क्या क्या सीखा, शेड कैसे बनते हैं, दूसरी बात आपने देखा कि किस तरह से आपने इनको अरेंज करना है, किस तरह से बनाना है, आगे पीछे करना है, मूवमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप ये थोड़ा सा ये वाले सारे एंकर सेलेक्ट कर लें, अगर ये सारे एंकर, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे करें, देख रहे हैं शेप चेंज हो रहा है, अब बताइए ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए बिगड़ा क्योंकि ये वाला एंकर और ये वाला एंकर थोड़ा अपनी जगह से हट गए, तो इनको थोड़ा सा हम नीचे लेकर आएंगे डाउन एरो की मदद से, और उसके बाद यहां से आगे लेके जाएंगे, और यहां से इस पर क्लिक करके शर्ट से, ये मेरा ख्याल है ओके, बेहतरीन किस्म का जो है कॉम्बिनेशन बन गया, और चीज भी आपके सामने तैयार हो गई। अब रह गई ये बात कि खिड़कियां और दरवाजे इसके किस तरह से बनाए जाएंगे। अच्छा अब देखें यहाँ पर चूंकि हम परस्पेक्टिव ग्रिड तो यूज ही नहीं कर रहे, तो आपको खिड़की दरवाजे इसके बना के इसमें खुद से लगाने पड़ेंगे। आज हम इस पर इतना कर रहे हैं, फिर अगली इसमें देखेंगे कि ये इसको किस तरह से उसके ऊपर बना के लगा सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा उसको बनाने की।